हेलो स्टूडेंट्स, हो यार अभी पीजी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। आज अपन लाइव कैसे आपको रजिस्टर करना है। जिन भी बच्चों को आइडिया नहीं कि भैया मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, कितने मार्क्स पे होगा कितने मार्क्स पे नहीं होगा, या मेरे को कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो हमारा आप सीयूटी गाइडेंस प्लान ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 1400 रुपये में कम्प्लीट आपका सीयूटी एडमिशन करा दिया जाता है, तो जरूर से जाके यार इनरोल कर सकते हो उसमें। देखते हो कि यहाँ पे सेलेक्ट डेट दिखा रहा है तो डाल देते हैं। हालांकि पोर्टल पे इश्यू चल रहा है, मेल आईडी पासवर्ड अगेन मोबाइल नंबर देख सकते हैं। पैर की अपडेट तो आया ही नहीं है। अभी रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेंट डिटेल नॉट एग्जिस्ट। तो गाइस देख सकते हो यार फाइनली जो ओटीपी है वो चला गया है, ठीक है, स्टूडेंट के अकाउंट में जो भी जिसका भी अकाउंट है। तो अब हम ओटीपी डालते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्या प्रोसेस है सारा, ठीक है। फेस हो यहाँ से गाइस अपन लॉग इन करेंगे, ठीक है। अब लॉग इन करने के बाद हमको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सो गाइस ये जस्ट देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सारा का सारा जो भी प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है मेरे को, जस्ट यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल पे जाना है। यहाँ पे आपको अपने मार्क्स दिख गए होंगे, इसके बाद आपको जाना है कंप्लीट प्रोफाइल पे, ठीक है। तो जैसे आप कंप्लीट प्रोफाइल पे जाते हैं तो ये पेज खुल रहा है। स्टूडेंट यार आपको ये पूरा का पूरा जो भी फॉर्म है वो फिल करना है, ठीक है। किस प्रकार से फिल करना है इसकी ऑलरेडी देख सकते हो। यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट जो है ठीक से डालना है, तो आपका जैसे अच्छा जो बैंक होता है HDFC ICICI वगैरह वगैरह, ये भी आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे फिल कर देना है। एंड आपको जो भी अपना एड्रेस वगैरह डालना है, भी नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट है और अपने पापा की अकेली परी है, देन जस्ट यहाँ पे आप यस कर सकती है। इसका आपको थोड़े से मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलेगा, वरना आप नो भी कर सकते हैं। और अगर आप शेयर है तो क्या कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स जस्ट लाइक इंडियन आर्मी वगैरह में हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, लेकिन उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी रिलैक्सेशन दिया गया, जो भी आप यहाँ पे अप्लीकेबल हो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो पूरा फॉर्म मैं अभी जल्दी से भर देता हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस यार फाइनली जो है देख सकते हो मेरा, मैंने पूरी की पूरी डिटेल वगैरह भर ली है, ठीक है। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और मेरा जो फॉर्म है वो आगे बढ़ जाएगा। प्यारे बच्चों आपको जो है फिर से चेकआउट कर लेनी है अपनी डिटेल सारी की सारी जो भी है, उसके बाद आपको अपडेट अगर कोई इश्यू है तो अपडेट कर सकते हो। अगर कोई इश्यू नहीं है देन नेक्स्ट पे जा सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट पे जाने के बाद फिर से आपको ये डिटेल शो करेगा, ओके। एक ये भी काफी बार ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। आपने अगर कोई भी NCC NSS वगैरह अगर आप स्टाफ कोटा से हैं देन आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे डिटेल देनी पड़ती है। आप यहाँ पे जो भी आपको लैंग्वेज इनके अलावा जो भी आती है आप यहाँ पे लगा सकते हो। लगाने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर ये तो यार ऑलमोस्ट इसको चेकआउट करने की जरूरत है नहीं, आपको नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो भी अपने डॉक्यूमेंट वगैरह है यहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पे ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट, यहाँ पर COT का स्पोर्ट कार्ड, यहाँ पर COT एडमिट कार्ड, आपको जो सारा का सारा फॉर्मेट में डालना है। यहाँ पे फॉर्मेट साइज दी गई है, आपको इस प्रकार से यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं अपलोड कर देता हूँ गाइस यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हो मैंने काफी सारी परेशानियों के बाद पूरा का पूरा फॉर्म सबमिट कर दिया। मैं यहाँ पे सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना गाइस। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जस्ट लाइक जैसे सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे यहाँ से आपको जो भी है नोट अपलोडेड दिखा रहा है, देखो मेरे को, ठीक है। इंटरनेट इश्यू के कारण अभी अपलोड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये जैसे ही अपलोड हो जाता है मैं इसको आगे सबमिट कर दूंगा। आपको जस्ट उसके बाद अपने जो भी प्रोग्राम सिलेक्शन चेक करने होते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे शो कर रहा है,
जैसा कि यहाँ पे अपलोड नहीं हुए, जैसे अपलोड हो जाएंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे दिखने लग जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। अभी ये अपलोड हो जाएंगे आप सभी लोग, इसके बाद प्रोग्राम सिलेक्शन करेंगे। जैसे आप एक प्रोग्राम पे सिलेक्ट कर देते हैं उसके बाद होम पे फिर से आएंगे, फिर से दूसरा सिलेक्ट करेंगे, तीसरा, फिर से चौथा, पांचवा, जितने भी आप कर सकते हैं सारे के सारे सिलेक्ट करो, ठीक है गाइस। और सीयूटी एडमिशन प्लान भी आप ले सकते हैं।